लक्ष्मीनारायण यादव जी, यस अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने MHRD की ग्रांट्स के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं इन ग्रांट्स का जो मांगे हैं, अनुदान मांगे जो हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में जब से वर्तमान सरकार आई है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा में बहुत से अच्छे परिवर्तन किए हैं, गुणात्मक परिवर्तन किए हैं, विस्तार के दृष्टि से भी, और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुलभ शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं इसका साधुवाद करता हूँ, इसका धन्यवाद करता हूँ। कई अच्छे काम है, अब चूँकि लंबी लिस्ट बहुत हो जाएगी और समय सीमित है, इसलिए मैं उसको को बार बार नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें ऐसी लाना चाहता हूं जिसके आधार पर कि मैं चाहूंगा कि वे उन पर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, कल जब रमेश पोखरियाल निशंक साहब बोल रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा को जब तक हम मानव मूल्यों मूल आधारित शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उनकी इस बात में अपनी सहमति प्रदान करता हूँ और माननीय मंत्री जी से एक ही बात मांग करता हूँ, उनको एक बात की का सलाह देना चाहता हूँ कि वे हर स्कूल में प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल तक जब असेंबली का जो इकट्ठी होती है बच्चों की प्रार्थना के लिए, तो उसमें महात्मा गांधी का वैष्णव जन जे तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये जो भजन है इसको अनिवार्य रूप से इंट्रोड्यूस करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ये एक भजन इस प्रकार का भजन है जो सर्वोत्तम मानव का के निर्माण में सहायक हो सकता है, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस दिशा में विचार करें। और एक और फायदा होने वाला है इससे कि जब इतने अच्छे भजन को आप इंट्रोड्यूस करेंगी, महात्मा गांधी के भजन को इंट्रोड्यूस करवाएंगी लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों को प्रार्थना के लिए आदेशित करेंगी, तो आप पर जो सेफ्रोनाइजेशन का जो आरोप लगता है वह भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है वो महात्मा गांधी है और उनका यह भजन है। इस अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात की गुजारिश करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट आज प्रस्तुत किया है, मैं अब इसके बाद कुछ अपनी व्यथा को, कुछ इनकी कमजोरियों को की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे इस बात का बड़ा खेद है और मैं तो चाहूंगा कि भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जो ने जो कटौतियां किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वे कृपया नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हम असल में शिक्षा और मानव संसाधन या शिक्षा विभाग के उनकी कटौतियों का अर्थ होता है कि हम अपने भविष्य के एक सुंदर भविष्य, एक सुसभ्य भविष्य के में कटौती करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का एक ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनने जो पेपर सर्कुलेट किए हैं उनमें एक अपेंडिक्स 9J है, जिसमें मुझे समझ में नहीं आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और तो सरकार के पास पैसे की कमी है और जन शिक्षण संस्थानों के नाम से ये कौन सा काम हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज जब हम आज 65-66 साल हमारी आजादी को हो गए, उसके बाद और इतना खास विस्तार हो गया, तब तथाकथित प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर लाखों 114 करोड़ से ऊपर की राशि सरकार व्यय करती है जन शिक्षण संस्थानों को देने के नाम पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, मैंने अपने आसपास के कई मित्रों से पूछा है जो सांसद हैं, जो जानते हैं कि इस प्रकार के जन शिक्षण संस्थान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ यहाँ से ग्रांट लेकर के जाते हैं और वो उस ग्रांट को खा जाते हैं। मेरा आपसे कहना है कि इतनी राशि आपको इसको जाँच करा लें, बहुत कोई अच्छा संस्थान हो निश्चित रूप से जारी करें। मेरे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से
पता है, वहाँ एक वहाँ भी एक जनशिक्षण संस्थान है, अगल बगल में भी हैं, उनका कोई काम नहीं है, कोई किसी प्रकार का काम नहीं है। अतः मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदया इस बारे में विचार करें और इसको कृपया ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौतियाँ की हैं वो डिवोल्यूशन के नाम पर हुई हैं, पर मैं चाहता हूँ कि डिवोल्यूशन के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनमें किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी से कि जो जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, ईमानदारी की बात है, ये सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जो कि शिक्षा देने का काम प्रदेश के की सरकारों का है, तो उनके के स्तर में बहुत खराबी है, बहुत कमी है। ग्रामीण स्तर में जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों का कोई किसी प्रकार का उनका हम अच्छा रिजल्ट नहीं देखते, वे बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं। तो उसका कारण यह है कि वहाँ पर अरे अध्यक्ष महोदय, मुझे 10 मिनट का समय तो कम से कम देंगे आप, मैं चाहता हूँ जी 20 एक तो मैं पहला ही वक्ता हूँ। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मध्य भारत की सरकार को चाहिए कि वो ग्रामीणों के लिए नए प्रकार के जो की शिक्षा अच्छी और गुणवत्ताहीन शिक्षा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय आरंभ करे। बाल महोदय, उससे होगा क्या कि उस ब्लॉक के स्तर में जो विद्यार्थी अच्छे होंगे, प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे, उनको भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और उन्हें बढ़ने का मौका मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में एक बात तो कहना चाहता हूँ कि जब से RTI लागू हुआ है तब से ऐसे निर्देश हो गए हैं कि 8वीं तक किसी बच्चे को न रोका जाए। इसका परिणाम यह हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ 2500 स्कूल में जाकर देखा कि बच्चे को 8वीं तक के बच्चे को नाम भी लिखना ठीक से नहीं आता। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली दूसरी तीसरी से समझ सकते हैं तो उसको ना रोका जाए, पर उसके बाद उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए, बच्चे की परीक्षा ली जानी चाहिए और उसको इस योग बनाए देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वह एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा बन सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कहना, चूंकि हालांकि कहने को तो बहुत था पर आपने हमारा समय बहुत कम कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ भी आपने 30 यूनिवर्सिटियाँ ली हैं इस पिछले 2009 में भारत सरकार ने 30 प्रांतीय यूनिवर्सिटियों को लिया है या उनको नया शुरू किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि उन विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। मैं तो 3-4 को तो जानता हूं, कुछ जगह पे तो इतनी बुरी हालत है। हमारे यहां सागर का तो 22 साल जेल में चला है और भी हमको बताया गया कि बिलासपुर का भी रस्ते में है, उसके खिलाफ भी CBI की जाँच हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसका एक बात कारण ये बना है कि उन विश्वविद्यालयों पर आपने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको वहाँ पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण वाइस चांसलर की पूरी मर्जी से होता है। लोकल पॉलिटिशियन को इसलिए कि सब राजनीति से दूर रहे ये संस्थान, इसलिए उनको रखा नहीं। और वाइस चांसलर जिनको नॉमिनेट करते रहे वे अधिकांश उनके सुवर्डिनेट्स रहते हैं और वे सुवर्डिनेट्स उनसे कुछ भी कराते हैं। हमारे यहाँ तो कितने वाइस चांसलर सागर यूनिवर्सिटी के कितने प्रोफेसर, चूंकि वाइस चांसलर 10 का करा लिए हैं, अब वो बेचारे CBI की नेट में आ गए हैं, CBI की जांच में पड़ा है, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई दोष नहीं। वो वाइस चांसलर ने कहा कि दस्तखत कर दो, उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसलिए माननीय उपाध्याय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इसमें एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थानीय जो सांसद है और अच्छे अच्छे लोगों को रखना चाहिए, से प्रोफेसर से काम नहीं चलेगा और आपके जो अधिकारी हैं उनको भी उतना समय नहीं रहता कि वहां बहुत गंभीरतापूर्वक देख सकें। तो यही कहना है। एक बात और कहना चाहता हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस देश में इतनी खुल गई हैं कि हम जो कहते हैं मशरूम ग्रोथ जो है वो उससे भी आगे हो गई है। अब लोग ये कहेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ग्रोथ हो गई है, ये इसको रोका जाना चाहिए। कोई अच्छे रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए जो इन पर नियंत्रण कर सके, वरना कल ये भी डिग्री लिए घूमेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी का भी विद्यार्थी डिग्री लिए घूमेगा और उनके दोनों में कौन डिफ्रेंशिएट करेगा? वो भी कहेगा कि मैं MA LLB हूँ, दूसरा भी कहेगा कि मैं MA LLB हूँ या किसी भी PhD हूँ। तब उस स्थिति में
ये शिक्षा का डिवेल्यूशन हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय से, ठीक है कि इस बारे में वो विचार करें कि एक अच्छी स्ट्रांग रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बनना चाहिए, और ताकि उन पर वो वाकई में शिक्षा के संस्थान बन सकें। अब आपने बार बार कहा, इसलिए मैं अपनी बात यही कहते हुए एक बात पुनः माननीय मंत्री जी ने जो मुझे मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे इन बातों पर ध्यान दें और उनके की बजट ग्रांट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।